तो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एंड द व्लॉग। भैया आप लोग देख रहे होंगे मैं इतने दिनों से किधर गायब था। तो भैया मैं कंटेंट ढूंढने की तलाश में निकला हुआ था, मेरे पास कोई कंटेंट था, कंटेंट खत्म हो गया था मेरे पास। तो भैया आप कंटेंट लेके आए हूँ क्योंकि मैं जा रहा हूँ सरगोधा। सरगोधा मेरा गाँव है तो बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। और आप देख रहे होंगे मैंने फट्टे पुराने कपड़े पहने हैं, तो घर वाले लेके जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है भाई। ऐसे ना मुझे सिर्फ एज अ ड्राइवर लेके जा रहे हैं, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हैं। मैंने आज तक सारी बातें छोड़ो, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं तो मौसम बहुत स्मैक्सी हो रहा है, खुद चेक करो। हाय 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 हाय, आज बड़ी चस आने वाली है भैया। कैमरा बंद कर दे। तो भैया आपका भाई हो गया है तैयार, तेज होता है काम। कौन है ये लोग? तो भैया आप कह रहे हो कि ये लड़का तैयार है, तो लड़कों का सिर्फ इतना ही होता है कपड़े पहने, नीचे जूते पहने तो तैयार हो गया। हमने कौन सी लिपस्टिक वगैरह लगानी होती है, तो चलते हैं। भाइयों पेट्रोल बहुत महंगा हो गया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अब आप लोग कह रहे हो ये अपने आप को क्यों नहीं दिखा रहा, बार बार रास्ते दिखा रहा है। तो भैया ड्राइविंग के दौरान वीडियो नहीं बनानी चाहिए, कब समझदार होगे? अबे साले भैया अभी मोटरवे पे एंटर हुआ हूँ और टूल प्लाजा भी क्रॉस कर दिया, तेज गाड़ी चला चला के अन्नी पा दे सा। जब ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाओ ना तो ऐसे पंगे होते रहते हैं। तेज गाड़ी चला चला के अन्नी पा दे सा। टूट गए यार मोहब्बत वाले। तो भैया तो यार भैया पूरे रास्ते में गाने सुनते आओ ना, फिर ये सीन तो होते हैं। बोल लिया कौन है ये लोग? भैया जी देखो बात इतनी सी है कि मैंने आपसे एक छोटा सा झूठ बोला था, मैं बहुत सरगोधा कर रहा था और मैं देखो आप लोगों को कश्मीर की वादियों में लेके आ गया हूँ। इन जो नए काम ये कलर का हार है तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो भैया इस्लामाबाद टू सरगोधा आपका भाई मैक्सिमम 20 मिनट में पहुंच गया है, मानते हो फिर? अबे साले यारा जी बस गरूर नहीं किया, गरूर नहीं किया, चिको चिक गाड़ी में ले गया हूँ और ये अब बस टूल प्लाजा आ गया। भैया जान पहुंच तो गए हैं लेकिन नींद बहुत आ रही है, फुल एनर्जी फ्रेश होना है। A few inches later, भैया जी आपका भाई इधर गांव में पहुंच चुका है और धूप बड़ी सख्त है, लेकिन धूप इज टेम्प्री और व्लॉग इज परमानेंट, तो व्लॉग बनाते हैं। तो ये मेरे कज़न का घर है, जैसा कि आप देख सकते हैं भैया ये मनाजिर है इस घर के। तो अभी बाहर निकलते हैं क्योंकि इधर का माहौल बहुत चिकना है, लाइक आपका भी दिल गार्डन गार्डन होगा, तो बाहर निकलते हैं। भैया बाहर निकलने से पहले थोड़ा घर का टूर करवा देता हूँ इनके। यार ये हैंड पंप लगा हुआ है और ये इनका घर है जो कि मुझे बहुत पसंद है भाई, क्योंकि हम शहरों से आने हुए छोटे छोटे घरों में रहने वाले लोग जब ऐसे बड़े बड़े लोग घरों को देखते हैं ना तो जबान लड़खड़ा सी जाती है और माइंड फ्रेश हो जाता है। और इधर भाई ये बाहर सोने का सीन, आए हाय 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 हाय, मैं कहता हूँ कि चस्से आ जाती हैं। भैया जी ये सीन चेक करो, ठीक हो वालो, आया हुआ हूँ तुम्हारे गांव को घूमने, ओ हेलो ही कर दो। अबे अपना काम कर। फिट हो?
कैसे हो, मुझे जानते हो भाई, पिंडी से आया हूँ। हेलो, मुंह तो लगा भाई, फिट है यार भाई। यार भाई अबे तू बोले या मुझे बोलने दे। यार भैया तो इधर गांव में आए हुए हैं तो यार क्या ग्रेट फीलिंग है भाई, माइंड इतना फ्रेश हुआ है। अबे तू बोले या मुझे बोलने दे। भाइयों मैं जब भी आता हूँ ना गाँव तो इस जगह पे आके बैठता हूँ। ये भाई जगह इतनी पीस वाली है ना कि क्या बताऊँ। और आगे इधर सारी ऐसी जगहें हैं और मैं इधर आके बैठता हूँ, बहुत सुकून आता है इधर। तो भैया कैसे हो, खानदान में सब ठीक ठाक है ना, बच्चे बाले ठीक हैं? मुझे तो लग रहा तुम्हारी शादी नहीं हुई, कोई बच्ची बुच्ची फंसाई है, कोई आगे क्या सीन है, कोई प्लान है? ओ भाई मुँह तो लगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इधर मैं व्लॉग एंड कर रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। कल अगर मॉर्निंग वॉक का कोई सीन ऑन होता है तो फिर व्लॉग बनाएंगे, जाहिर सी बात है आपको भी इंजॉय कराएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। और फिर मिलते हैं, टाटा बाय बाय, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब भैया।